तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका एक चैनल है जिसपे यहाँ पर देख सकते हो कि 2 घंटे में सिर्फ 4 व्यूज आए हैं, एक दिन पहले 50 व्यूज आया है, 117 व्यूज आए, लेकिन इनका ये जो यूट्यूब चैनल है आप देख सकते हो कि मोनेटाइज हो गया है। कैसे मोनेटाइज हुआ है और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि आप कम व्यूज में ही कैसे अपने चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करके अपने चैनल को आप मोनेटाइज कर सकते हो। स्वागत है आप सभी का आज की एक नए वीडियो में। अभी आप देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पर आपको कोई दिख रहा है इनका जो यूट्यूब चैनल है, इन्होंने बड़े जल्दी तरीके से अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज किया और एक ट्रिक लगा करके, और मैंने सोचा यार कि मैं आप लोगों को भी बताऊं, आप लोग भी इसी तरह से करो, क्योंकि आप लोग भी अच्छा, आपने कितना जल्दी अपने चैनल को मोनेटाइज किया है, आपने ये जो नया चैनल है स्टार्ट कब किया था, आपने कितना टाइम हुआ? सर मैंने ये चैनल 15 दिसंबर को किया था पिछले साल, तो अभी ये चैनल मेरा सिर्फ 3 महीने में मैंने 2 क्राइटेरिया पूरे किए जो हमारे मोनेटाइजेशन के लिए लगते हैं, और वो 3 महीने में ही मेरा जो है वो चैनल भी मोनेटाइज हुआ है। और ये खास बात ये है कि मेरा जो वॉच टाइम है वो सिर्फ 1 मंथ में ही पूरा 4000 आवर का वॉच टाइम कंप्लीट। अच्छा, और आपने चैनल को कितना जल्दी मोनेटाइज किया, जब आपने रिव्यू भेजा तो कितना जल्दी मोनेटाइज हुआ, क्योंकि आज के टाइम पर चैनल रिव्यू में लोग भेज दे रहे हैं और चैनल क्या है कि महीना महीना 15-15, 30-30 दिन, 1.5-2 महीना रिव्यू में अटका रहता है, एडिशंस में अटका रहता है। आपका ये दोनों प्रोसेस कितना जल्दी हुआ था, कितने दिन में हुआ था? सर मेरा सिर्फ एक दिन में ही हुआ था। एक दिन मैंने दोपहर को किया तो अगले दिन मुझे मेल आया कि आपका जो है कांग्रेचुलेशन, आपका अभी चैनल। वाह वाह, मेरी बहुत 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 अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, इनका एक पुराना चैनल था, आपका पुराना चैनल था ना एक, वो भी इनका चैनल मोनेटाइज हो गया था लेकिन उसमें व्यूज नहीं आ रहे थे, अर्निंग इनकी नहीं हो रही थी, और वो चैनल पुराना 3 साल था। वो चैनल भी मैं आपको सामने यहाँ पर ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देखोगे। इनका एक चैनल और था जिन्होंने जिसपे इन्होंने 2000 कब से आपने काम किया था, 2017 नहीं, तो यहाँ पर 20 जनवरी 2017 से यहाँ पर चैनल बना हुआ है, और 2017 से इन्होंने अपना चैनल पर सिर्फ कितने सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं, 1330 सब्सक्राइबर। और अभी देख लीजिए, इनको मैंने एक ट्रिक बताया कि आप इस तरह से काम कीजिए, आप ऐसे अगर काम करोगे तो आपके चैनल पर भी आपका जो चैनल है वो बहुत जल्दी से ग्रो हो जाएगा। वो क्या ट्रिक मैंने बताया है आप लोग भी जानना चाहते हो और आप लोग भी अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हो। अच्छा, कितने लोग ऐसे हो जो 6 महीने से ज़्यादा काम कर रहे हो, कितने लोग ऐसे हो जो साल भर से ज़्यादा काम कर रहे हो, एक बार जरा आप कमेंट करना, मुझे देखना, एक डाटा लेना है कि कितने लोगों का जो चैनल है वो 6 महीने वाला चैनल है, कितने लोगों का जो चैनल है वो 1 साल पुराना चैनल है, और इस तरह से करना ताकि मुझे पता चले और मैं आपको उसी हिसाब से सजेस्ट कर पाऊँ, उसी हिसाब से मैं आपको सजेशंस दे पाऊँ ताकि आप लोग भी अपने चैनल को जल्दी से मोनेटाइज कर लो। ठीक है, कमेंट करना है आपको, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको मोनेटाइजेशन का बहुत सारा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। तो प्राजक्ता जी, यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ये चैनल बनाया 2 महीना पहले, और 2 महीना पहले, और यहां पर मैं आपका देखना चाहूंगा जो पुराना वाला चैनल है उस चैनल को यहां पर मैं आपका ओपन कर लेता हूं, नया वाला चैनल, नए वाले चैनल पर अभी आपने 2 ही महीने में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट कर लिया और अपने चैनल को आप मोनेटाइज भी कर ली। और यहां पर मैं पॉपुलर वीडियो पर जाता हूं तो देख सकता हूं कि 2 महीने पहले ही आपकी जितने भी वीडियो आपने डाला हुआ है आपके सभी वीडियो पर 13000 व्यूज, 10000 व्यूज, 7000 व्यूज, 7000 व्यूज, मतलब अच्छे खासे व्यूज आपके आ गए हैं। तो आपका ये जो पहला वीडियो ही आपने मुझे लगता है कि डाला होगा और पहली वीडियो ही आपकी वायरल चलेगी, है ना? यस सर, ये मेरा 4 नंबर का वीडियो है जो। अच्छा अच्छा, पहले, अच्छा तो पहले पुराना वाला जो चैनल था आपने 2017 से बनाया हुआ, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब लगभग 6 साल आपने उसमें काम किया। और कैसे आपने काम किया कि आखिर वो चैनल आपको छोड़ना क्यों पड़ा, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा, जरा आप बता देना कि आपने उस पे सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई। सबसे पहले मैं सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने रेगुलरिटी मेंटेन नहीं की, कंसिस्टेंसी जो होती है जो हमें मेंटेन करनी होती है वो उस चैनल पे नहीं थी। और जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि चलो अभी वो चैनल पे हम काम करना चाहते हैं तब बहुत टाइम बीत चुका था, और मैंने वो चैनल मोनेटाइज भी हुआ है बट मैं उससे कुछ भी कमाया नहीं है मैंने अभी तक। तो मैंने यही जो मैंने मिस्टेक्स की है सब, जब मेरा पहला चैनल था वो सब मिस्टेक मैंने यहाँ पे ओवरकम की है जो सेकंड चैनल है उसमें। मैंने सबसे पहले कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन रखी है, अगर आप देखोगे तो मेरा 3 मंथ हुआ है और मेरे चैनल के ऊपर 150 से भी ज्यादा वीडियो, 168 वीडियो दिख रही है और 170 वीडियो होने वाली है। यस यस,
यस यस, तो मैंने सिर्फ कंसिस्टेंसी रखी है और डे बाय डे मैं वीडियो भी इम्प्रूव कर रही हूँ, सब कुछ क्वालिटी थंबनेल का सब कुछ मैं सीख रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा हुआ है तो हमें क्वालिटी क्वांटिटी और रेगुलरिटी पे बहुत बहुत काम करना पड़ता है, इसलिए मैंने वही सब चीजें इस चैनल पर अच्छा, फॉलो की है। चल यहाँ पर अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बड़े यूट्यूबर को यहाँ पर अपने चैनल पर नहीं लेके आता, क्योंकि देखो वो पहले से ही सीख चुके हैं, लेकिन मैं ऐसे यूट्यूबर को लेके आता हूँ जो अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का क्राइटेरिया कंप्लीट करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिए, यानी कि मैं छोटे क्रिएटर्स को बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैं सोचता हूँ कि आगे बढ़ो, इसीलिए मैं इनको लेकर के आया हूँ, इनको इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि मैंने इनको एक तरीका बताया। अब वो तरीका क्या है वो ये खुद अपने मुंह से बताएंगे, मैं वो नहीं बताऊंगा, वो खुद ही अपने मुंह से बताएंगे कि मैंने इनको क्या तरीका बताया हुआ है। और आज के टाइम पर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, तो इन्होंने जैसे अपने चैनल को इतनी जल्दी मोनेटाइज कर लिया हुआ है, वो भी मैंने जो तरीका बताया था, ये खुद आपको बताएंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, यकीन होगा कि हाँ हम भी इस तरह से काम करेंगे तो हमारे चैनल पर भी वॉच टाइम सब्सक्राइबर कंप्लीट होकर के हमारा भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अब आप बताइए कि मैंने क्या आपको वो तरीका बताया था। यस सर ने मुझे बताया था, मैंने जब मैं वीडियो डालती थी रेगुलरिटी मेंटेन कर रही थी फिर भी व्यूज नहीं आते थे, तो एक लाइव में ही सर ने मुझे बोला था कि आप मेहनत कर रहे हो तो चलो आपके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। बट सर ने मुझे एक और सलाह दी थी, वो ये थी कि आपका ये चैनल मराठी में है तो क्यों ना आप ये चैनल का जो लैंग्वेज है वो चेंज करके अलग जो है वो चैनल बना के हिंदी में ट्राई क्यों नहीं करते। तो मैंने जैसे सर ने बताया वैसे ही किया है और हिंदी में मैंने जो मेरे मराठी रेसिपीज थे वो जो है वो लैंग्वेज चेंज करके वहां डाले और यस मुझे रिजल्ट अच्छा खासा उससे मिला है। और यही सर से मैं मुझे ये टिप मिली है और मेरे लिए ये बहुत ही खास और काम बिल्कुल कर गई। इन्होंने जो 6 साल में नहीं किया वो 2 महीने में कर लिया, ठीक है, और अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिया। मैंने इनको क्या बोला कि जब मैंने इनके चैनल को चेक किया दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने इनकी ये देखिए इनका जो नया चैनल है अभी इररेगुलर हो गई, तो मैंने कहा कि आप एक नया चैनल बनाइए और नया चैनल बनाने के बाद में आपको वीडियो फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने पुराने ही वीडियोस को आप अपलोड कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद में सबसे पहली बात है कि इनका जो लैंग्वेज था वो मराठी में था, अब इनका मराठी में लैंग्वेज था तो हिंदी के पास में अगर मान लीजिए जाएगा, आप हिंदी समझते हैं भोजपुरी समझते हो, अब आपके पास में मराठी लैंग्वेज आएगा तो आप उसको स्किप कर दोगे, तो मैंने सोचा कि आप इनको समझाया कि देखिए हिंदी में रहेगा ना तो सब कोई समझ सकता है, तो आप एक काम कीजिए अपने उस वीडियो को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद उसका आवाज़ म्यूट करके उसे हिंदी में मतलब डब कीजिए, जैसे एक मूवी डब किया जाता है उसे हिंदी में फिर से उसी तरह से एक्सप्लेन करके उस वीडियो को आप अपलोड कर दीजिए और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनको अच्छा रिजल्ट मिला है, इनकी वीडियो जो है डे टू डे अच्छे तरीके से वायरल चली गई और 4000 घंटे का वॉच टाइम का क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया और इनका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया। तो आपको आप अच्छा एक बार बताइए, चलिए यहाँ तक तो हो गया, आपने जो वीडियो अपने पुराने चैनल से डाउनलोड करके अपने नए चैनल पर डाला हुआ है क्या आपने उस वीडियो को डिलीट भी किया हुआ है? जी मराठी रेसिपी का जो चैनल था वहां से तो मैंने डिलीट किया है, उसके बाद ही मैंने मोनेटाइजेशन के लिए ये बिल्कुल चैनल अप्लाई। उससे क्या होगा जैसे मान लीजिए आप लोग का भी चैनल है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपने अपने चैनल पर 150-200 वीडियोस बना करके कर लिया है, आपकी वीडियो पहले वायरल जा चुकी है, कुछ उस पर व्यूज आ चुके हैं लेकिन अब वीडियो पर व्यूज नहीं आता और आपका चैनल काफी पुराना हो गया है और उस पर आप किए जा रहे व्यूज नहीं आ रहा है, तो एक काम कीजिए आप लोग भी कर सकते हो कि आपको अगर लगता है कि हाँ हम और भी अच्छे तरीके से मेहनत कर सकते हैं तो एक काम कीजिए नया चैनल बनाइए और नया चैनल बनाने के बाद में पुराने वीडियोज को आप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके नए चैनल पर अपलोड कीजिए, आपको मेहनत नहीं लगेगा, वही मेहनत को आप अपने नए चैनल पर अपलोड कीजिए और अच्छे से टाइटल थंबनेल कीवर्ड के साथ में वीडियो अपलोड करने का सही तरीके के साथ में, वीडियो अपलोड करने का सही तरीका अगर आपको नहीं मालूम है तो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, चैनल की सेटिंग कैसे करनी है आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने सब कुछ बता दिया हुआ है, नया चैनल बनाइए सेटिंग अच्छे तरीके से कीजिए, वीडियो अपलोड कीजिए, ठीक है, वही जो पुराना चैनल का वीडियो है वो नए चैनल पर डालिए क्योंकि यूट्यूब नए चैनल को जल्दी बूस्ट कर देता है। अब मान लीजिए आपके चैनल को 1000 लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, 1500 सब्सक्राइबर आपके चैनल पर पुराने में है, अब वो 1500 सब्सक्राइबर में से समझ लीजिए कि 500 सब्सक्राइबर यूजलेस हो गए हैं, डेड हो गए, यानी कि कई सारे लोग ऐसे करते क्या है ना कि मोबाइल है उनका, उन्होंने वीडियो देखा तो क्या करते हैं उनका ईमेल है तो उसे अपना चैनल बनाया है तो क्या करते हैं कि उसे सब्सक्राइब कर लेते हैं, बाद में क्या करते हैं कि उस ईमेल आईडी को चेंज करके नया ईमेल आईडी बना करके नया चैनल बना लेते हैं, लेकिन जिस ईमेल आईडी से सब्सक्राइब किए हैं वो तो आपका सब्सक्राइबर बना रहेगा
और वो हो जाता है डेड। तो नए नए ईमेल आईडी यहाँ पर रोज क्रिएट होते हैं, तो वो आपका चैनल वो डेड हो जाता है उसके, क्योंकि सब्सक्राइबर वो डेड हो जाते हैं। तो नया चैनल बनाएंगे तो नया सब्सक्राइबर, एक्टिव सब्सक्राइबर मिलेंगे, और वही वाली वीडियो को आप अपलोड करोगे ना तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ पर मैंने आपको रिजल्ट प्रूफ करके दिखा दिया, आप ये ट्राई भी कर सकते हो। इन्होंने अपने चैनल को बड़े जल्दी जहां पर, अच्छा आपका पुराना चैनल कितने दिन में मोनेटाइज हुआ था? सर मेरा पुराना चैनल मोनेटाइज होने के लिए मुझे 3 से 4 सोच लीजिए, 3 से 4 साल में इन्होंने पुराना चैनल को मोनेटाइज किया, और नए चैनल को मोनेटाइज इन्होंने सिर्फ 2 महीने में कर लिया। 2 महीने में क्या आप कह सकते हो कि 2 मिनट में इन्होंने अपना नया चैनल को मोनेटाइज कर लिया, 4.5 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया और भेज दिया, चैनल संग संग मोनेटाइज हो गया। तो पहले के मेहनत में क्या फर्क दिखा और अभी के मेहनत में आपको क्या फर्क दिखा? सर सबसे पहले जो भी मिस्टेक्स मैंने की थी वो सबसे पहले मैंने एक्सेप्ट की, हाँ ये मेरे से, मैंने आपको बताया था कि हाँ, मैंने आपको बताया था कि आप गलती कर रही हो। एक तो आप रेगुलरिटी नहीं हो, दूसरी की बात है कि आप जो अपना लैंग्वेज है वो आप हिंदी कीजिए, क्योंकि इंडिया में है आप, इंडिया हिंदी अगर आप करोगे तो किसी भी, कोई भी आपकी वीडियो देखेगा वो समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो मैंने वही सब कुछ फॉलो किया, और सबसे खास बात मैंने एक चीज बहुत फॉलो की कि स्टिक रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, किसी भी प्रकार का कुछ भी आए कंसिस्टेंट रहना है। मैं मेरे इसमें जो है 4 से 5 वीडियो ऐसे रखती ही हूँ, अगर कुछ इमरजेंसी भी आया तो मेरे चैनल में ऐसा गैप नहीं पड़ना चाहिए, तो वो वीडियो तब मैं वहां पे अपलोड करती हूँ। बट जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है, बहुत हार्डवर्क किया है, अपने मिस्टेक से ही मैं सीखी हूँ और सब कुछ अभी इम्प्रूव कर रही हूँ, और अभी इससे आगे भी मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी है और इम्प्रूव भी करनी है। देखो दोस्तों, मुझे बस इतना ही बताना था कि आप लोग ना जितना पहाड़ बना लेते हो उतना पहाड़ कुछ है नहीं, अगर आप मेहनत करोगे ना तो आप इस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया, क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद, चैनल मोनेटाइज होने के बाद व्यूज नहीं आते, कम आते हैं, उसका भी इलाज मैं बता दे रहा हूं, व्यूज कम आते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डे टू डे कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाना चाहिए और अच्छे कंटेंट पर फोकस करना चाहिए, थंबनेल पर फोकस करना चाहिए। आज का जो जमाना है, आज का जो समय है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो आपको अपनी क्वालिटी को सबसे ज़्यादा मैटर रखना चाहिए, क्योंकि आपकी वीडियो को कोई देखेगा तो इंप्रेस्ड होगा ना, तो नेक्स्ट टाइम आपकी वीडियो को वो जरूर देखेगा। और आपको अच्छे अच्छे, एक ऐसा नहीं कि घिसा पीटा वही उठा करके डालते रहना है, हर दिन नया कॉन्टेंट लाओगे, ऑडियंस को नया देखने को मिलेगा, तो जरूर आपकी वीडियो को देखेंगे और व्यूज आपको अच्छे मिलेंगे। व्यूज कम होता है, ध्यान नहीं देना है, रेगुलर पे फोकस करना है। मान लीजिए आपकी कोई एक वीडियो चल गई तो जितने भी पुराने वीडियो थे वो भी धीरे धीरे चलने लगेंगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आ रहा है तो आप उस चक्कर में अपने अच्छे खासे चैनल को बर्बाद कर लोगे। इसीलिए कंसिस्टेंटली रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये मैं प्रूफ करके दिखा दिया कि देखो भाई, चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़े से भी कम टाइम में अपने चैनल पर ये क्राइटेरिया कंप्लीट करके अपने चैनल को आप मोनेटाइज कर सकते हो। इस वीडियो से आपको ये चीज़ सीखने को मिला होगा, ठीक है, जो मैं सिखाना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से सीखे होंगे, और इनके चैनल को भी आप देखोगे कितना जल्दी इनके चैनल को मोनेटाइज कर लिया, पुराना चैनल इनका नहीं ग्रो हो रहा था तो पुराने चैनल वाली वीडियो को उठा करके इन्होंने नए चैनल पर डाला और अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिया। इनका चैनल को भी आप जाकर के विजिट कर सकते हो, देख सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो यार वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।